इतनी सारी क्वेरीज आ रही थी कि सर सिंगापुर के लिए मेरे को मेडिकल में क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या टेस्ट होते हैं, एक तो इतनी सारी बीमारियां हैं यार, उसके इतने इंग्लिश में नाम है, मुझे तो समझ में नहीं आता। तो सबने पूछा था कि सर सिंगापुर में जो मेडिकल होता है आपका उसमें क्या क्या होता है, तो ये चीज़ बताने वाला हूँ पूरा भाई। क्योंकि देखो मैं जिस वीडियो में बताने वाला हूँ जो चीज़ सिंगापुर में मेडिकल में क्या लगता है, क्या चेक करते हैं भाई, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो पूरा देखना है वीडियो को, आपको कन्फ्यूजन पूरा दूर हो जाएगा। अगर आपका सिंगापुर में मेडिकल होने वाला है तो पूरी क्या प्रोसेस रहती है, कितने मिनट की रहती है सब कुछ, एजेंट फीस वगैरह जो उसकी फीस लगती है मेडिकल की वो क्या होती है, कितने दिन में आपका होता है सब कुछ बताना है, तो लगे रहो, लगे नहीं बने रहो इस वीडियो में। ओके हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। आज का जो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारे सवाल आए थे, कोई वर्क परमिट पर आ रहा है, स्टूडेंट पास पर आ रहा है, पास पर एम्प्लॉयमेंट पास पर आ रहा है, वो बोल रहे हैं कि सर मेडिकल में क्या होगा भाई, हमारे से जो एजेंसीज हमने अप्लाई करा है वो इंडिया में भी कर रहा है भाई, कि इंडिया में उसका मेडिकल होगा, वो वाला मेडिकल सिंगापुर में चल जाएगा या नहीं चल जाएगा, पूरा डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में भाई, कि मेडिकल आपका कहाँ और कौन सा वैलिड होगा, कितने रुपये में होगा, कितने डॉलर में होगा, इंडिया में चलेगा या सिंगापुर में चलेगा, क्या होने वाला है, तो बने रहिए भाई, पूरी देखना वीडियो को। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए या गलती से मेरा चैनल देख लिया तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब और प्रेस द बेल आइकन ऑल का बटन दबा देना, ताकि भाई सभी नोटिफिकेशन मेरे को मिलती रहे। सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत थैंक्स देना चाहता हूँ यार, आप एक इस गरीब को बहुत सारा प्यार देते हो और इतनी वीडियो बनाने का मौका देते हो, क्योंकि आप लोगों की क्वेरीज उसको सॉल्व करना मेरा एक फर्ज है। तो इसी तरह से आप सपोर्ट बनाए रखो और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दो, एक सपोर्ट होता है यार। और लोगों ने कहा था इन फ्यूचर में क्या रवि सर आप कोई एजेंसी वगैरह खोलेंगे? भाई खोलेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जो मेरी उसमें जो मेरा मन है, जो मेरी कमिटमेंट है कि भाई 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाए भाई, ताकि मैं अपने इंडिया में जाके एक अच्छी सी एजेंसी खोल सकूं, ताकि मैं और अपने भाइयों को मिडिल क्लास फैमिली से जो बाहर जाने का सपना रखते, कुछ कमाने का सपना रखते, तो भाई आ सकते हैं, चाहे सिंगापुर हो, कोई भी कंट्री हो, जितनी पॉसिबल। लेकिन मेरी जो ज्यादातर एक्सपीरियंस है वो सिंगापुर के ऊपर है, कनाडा का भी है भाई मेरे पास कि कुछ अपॉर्चुनिटीज, लेकिन मैं सिंगापुर को ज़्यादा प्रेफर कर, जहाँ तक मुझे भाई वही बात है ना, जब सोते तो चादर मैं पैर उतने ही पसारो जितनी चादर लंबी हो, तो भाई सिंगापुर का एक्सपीरियंस थोड़ा ज़्यादा ही है। तो सिंगापुर के ऊपर जितनी भी कोशिश होती है सारी इन्फॉर्मेशन मैं बिना देरी करे भाई चालू कर दे कि मेडिकल में क्या होता है। सबसे पहले आपको क्लियर कर देता हूँ, सिंगापुर में आप वर्क परमिट पर आ रहे हैं या एस पास पर आ रहे हैं, एजेंसीज के थ्रू आ रहे हैं, तो इंडिया के एजेंट्स आपका थोड़ा मेडिकल करवा लेते हैं 7-8 हज़ार रुपये लेते। तो देखो भाई मेडिकल, वो वाला मेडिकल सिंगापुर में नहीं चलता, लेकिन वो मेडिकल क्यों कराते हैं भाई, उसके भी कुछ रीजन है, क्योंकि सिंगापुर का जो एम्प्लॉयर है यार, उसको ऐसा बंदा चाहिए जिसके पास कोई बीमारी ना हो, वो पर्सनली फिट हो। तो इसके दौरान भी कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि भाई अगर आपका इंडिया में मेडिकल नहीं हुआ और आप सिंगापुर में आ रहे हो भाई जॉब पर, और कुछ खुदा ना खास्ता कुछ ऐसी चीज़ें हो कि आपका मेडिकल क्लियर ना हो, तो आपको वापस जाना पड़ता है। तो भाई एक इंडियन एजेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है कि यार एक बार आदमी का पर्सनल वहाँ मेडिकल हो जाए, ताकि वो पर्सनली फिजिकल फिट हो। क्योंकि सिंगापुर में अगर आप कंस्ट्रक्शन जॉब में आ रहे हो या किसी भी जॉब में आ रहे हो, तो भाई एक पर्सनल फिट आदमी की जरूरत पड़ती है। तो भाई कौन कौन सी, तो इंडिया का जो मेडिकल होता है भाई 7-8 हज़ार रुपये लगते हैं, वो बात है, लेकिन वो वाला वैलिड नहीं है, लेकिन वो पर्सनल मन की संतुष्टि इंडियन एजेंट्स के लिए होता है, और वो भाई रिस्पॉन्सिबल होता है कि एम्प्लॉयर जो यहाँ सिंगापुर में आपको भेज रहा है, तो भाई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है कि भाई बंदे को भेजे तो पर्सनल फिट होना चाहिए, इसलिए वो मोस्टली इंडियंस के जो एजेंट है वो इंडिया में मेडिकल करा लेते हैं। तो भाई उस पर नाराज मत होना, उसका भी कुछ फर्ज होता है भाई, जब कोई आदमी एजेंसीज खोलता है तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि भाई किसी कंट्री में जो बंदा जा रहा है उसके जो टाई अप्स है वो एक अच्छे रिलेशन बना सके। तो चलो उसकी छोड़ते हैं, तो दूसरे करते हैं, तो सिंगापुर में अगर आप सिंगापुर में जॉब के लिए, तो सिंगापुर का ही मेडिकल आपका चलेगा, ये ठीक है भाई, सिंगापुर का मेडिकल बहुत ही आराम है। आप कौन चार टाइप के जो चार टाइप के मेडिकल टेस्ट जो देखे, जो ज़्यादा देखे जाते हैं सिंगापुर में, वो चेक करे जाते हैं, इंग्लिश में बताता हूँ। एक होता है ट्यूबरक्लोसिस, आपको स्क्रीनशॉट आ रहा होगा, ये पढ़ लेना। तो द मेडिकल एग्जामिनेशन स्क्रीन्स द वर्कर फॉर 4 टाइप ऑफ इन्फेक्टिशियस डिसीजेस,
इन्फेक्टिस जैसे कुछ महामारी, जैसे इन्फेक्टिस का मेरे साथ महामारी होता है, इतनी इंग्लिश आती नहीं लेकिन महामारी होता है, तो चार महामारी है, अगर आप उनमें से नहीं है तो आप मेडिकल पर्सनली फिट है भाई, तो आपका परमिट है, अगर आप परमिट पर आ रहे हो तो परमिट हो जाएगा, एस पास पर आपको एस पास कार्ड मिल जाएगा विद इन 7 वर्किंग डेज में। अब वो बीमारियां महामारी कौन सी है, बीमारियां नहीं, ट्यूबरक्लोसिस, आई थिंक टीबी बोलते हैं हिंदी में, उसे बोलते हैं कि टीबी, अस्थमा शायद, एचआईवी तो सभी को पता है भाई, और एक होता है साइफिलिसिस, पता नहीं क्या भाई उसको पढ़ लेना, साइफिलिसिस एंड मलेरिया, तो ये चार चीज़ों का चेक होता है, अगर आप में ये चार चीज़ें नहीं है तो आप पर्सनली फिट हो और कोई भी थोड़ी बहुत छोटी मोटी बीमारियाँ चलती है कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चार जो दिखे पढ़ लेना भाई, ये साइफिलिसिस हिंदी में बता देना कौन सी बीमारी है, लेकिन मुझे टीबी का पता है, एचआईवी का पता है और मलेरिया का पता है, क्योंकि इन चीज़ों की अभी कोई मेडिसिन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ लिखा है यू कैन चेक सेंड योर वर्कर फॉर मोर टेस्ट इफ़ यू आर स्पेसिफिक कंसर्न अबाउट, अब अगर आपका कोई, आप किसी आ रहे हो, अगर आपके पास कोई और बीमारी है या कुछ ऐसा कंसर्न है हेल्थ कंसर्न, तो आपकी चेकिंग और हो सकती है। आप देखो क्या, व्हाट डू आई नीड द मेडिकल चेकअप फॉर वर्क परमिट, मीन्स वर्क परमिट पीपल पर आ रहे हैं या जो स्टूडेंट्स पर आ रहे हैं, तो उसमें क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, इन प्रिंसिपल अप्रूवल IPA होगा, तो भाई जब आप सिंगापुर आ जाएंगे तो आपको यहाँ किसी भी एक ऑथोराइज जो डॉक्टर हैं, जो क्लिनिक्स हैं, वहां पर जाके जगह जगह मिल जाते हैं आराम से, जो MOM से अप्रूव्ड हैं, तो वहां पर आप अपना जाइए, ठीक है, अपना IPA लेकर जाइए, वहाँ उनसे को भाई हमारे को मेडिकल करा, तो अपना वो आपका मेजरमेंट करेंगे, सबसे पहले एक्सरे ले लेते हैं भाई, वो एक्सरे मैं जब गया था तो मेरा एक एक्सरे मशीन में ऐसे खड़े कर दिया था, और एक्सरे ले लेते हैं भाई, उसके बाद ब्लड ले लेते हैं थोड़ा सा, अब ब्लड इधर से लेते हैं भाई, इधर से, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ ठप मार के ब्लड ले लेते हैं, तो और बुखार वुखार तो नॉर्मल सी चीज़ें होती हैं, अगर तो इसमें आपका BP भी चेक हो जाता है, तो शुगर लेवल वगैरह जो भी चीज़ें ये, तो ये दो चीज़ें होती है, चेस्ट एक्सरे, ब्लड, और जो चार चीज़ें अगर नहीं, अगर ब्लड ब्लड टेस्ट से सब कुछ पता लग जाता है ना भाई, और चेस्ट एक्सरे से अस्थमा पता लग जाएगा, मलेरिया का भी ब्लड टेस्ट है पता, HIV का भी पता लग जाएगा, तो ये चीज़ें। अब इसमें क्या, यू मस्ट सेंड योर वर्कर फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन बाय सिंगापुर रजिस्टर्ड डॉक्टर विद इन 2 वीक्स ऑफ देयर अराइवल इन 7 डेज ऑफ कंप्लीटिंग, इससे जब वो आप आ जाओगे 7 दिन के बाद, 2 वीक्स के अंदर आपको वहाँ जाना पड़ेगा मेडिकल के लिए, ठीक है भाई। तो यही चीज़ें थी। अब इसकी फीस कितनी होती है भाई, $70, $68 to $70 होती है, वहाँ जाके आपका मेडिकल हो जाएगा, आपका मेडिकल आपको घर भेज दिया जाएगा जहाँ आप काम पर हो या स्टूडेंट हो, और आपका विद इन 4 डेज में आपका मेडिकल रिपोर्ट आ जाएगी, ये सबमिट कर दोगे MOM में जाके, अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पर तो स्टूडेंट वीज़ा आ जाएगा, वर्क परमिट पर तो वर्क परमिट आ जाएगा, एस पास पर एस पास, इस तरह से आपका ये काम हो जाएगा। आई होप सो आपका पूरी वीडियो समझ में आ गया, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।